हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इस्माइल और आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो वीडियो बना रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बना रहा हूँ। आप में से बहुत लोग ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते होंगे, बट आपको पता है कि ट्रेडिंग व्यू में जो है हमें सारी फैसिलिटी नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अगर बार प्ले का ऑप्शन देखना होता है तो इसमें हमें जो है इसको सब्सक्राइब करना होता है, जिसके कुछ चार्जेस हमें पे करने होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर करने जा रहा हूँ जहाँ पे जो फैसिलिटी आपको ट्रेडिंग व्यू में मिलती है, जो पेड वर्जन में, वो आपको फ्रीली मिल जाएगी उस प्लेटफॉर्म पे। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम मैं आपको बता देता हूँ। मैं जो प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ वो है gocharting.com, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही अच्छा है यूज़ करने के लिए। चले जाते हैं इसकी वेबसाइट पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले इसमें लॉगिन करना होगा। तो लॉगिंग करने के लिए, जैसे आप यहाँ से लॉगिंग करोगे तो आपको क्या है, आपका ईमेल आईडी वगैरह डाल करके आपको एक बार साइन अप करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पहले, फिर बताता हूँ। तो फ्रेंड, जब आप इसको साइन इन कर लोगे तो इस तरह का कुछ ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, देखिए सब यहाँ पे चार्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। इसमें आपको दो ऑप्शन आ रहे होंगे, इक्विटी और क्रिप्टो, ठीक है। इक्विटी पे क्लिक कर लेंगे तो इसका पूरा यहाँ पे प्लेटफॉर्म इसको डिसमिस कर देना, ठीक है। तो देखिए पूरा यहाँ पे इसका डैशबोर्ड खुल चुका है, ठीक है। यूज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी मैं आपको इसके एक एक चीज़ें, इसके एक एक फीचर एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो है, बार प्ले का ऑप्शन, बार प्ले का जो बटन बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ट्रेडर के लिए। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा, फिर इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको जो कैंडल से आपको शुरू करना है, उस कैंडल पे, पर्टिकुलर कैंडल पे जाकर के आपको डबल क्लिक करना होगा, जैसे कि मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे हमने डबल क्लिक कर दिया तो आगे की सारी कैंडल यहाँ से निकल चुकी है, हट गई है, ठीक है। अब जैसे हम इसको प्ले करेंगे तो फिर ये कैंडल जो है बनना शुरू हो जाएगी। तो फिर हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि, जैसे कि हमने अगर कोई स्टडी करके रखी हो तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि प्राइस कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको प्ले करने से पहले हमारे पास यहाँ पे आपको कुछ ये दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जो नंबर्स आ रहे हैं बेसिकली ये सेकेंड्स है। तो आपको जैसा दूसरा जो कैंडल चाहिए कितने सेकेंड्स में चाहिए, आपको वो ऑप्शन यहाँ पे रखना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक सेकेंड कर देते हैं कि हमको जो नेक्स्ट कैंडल चाहिए वो एक सेकेंड में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो इसको जूम कर लेते हैं। तो जूम करने के बाद फिर यहाँ पे हम जैसे बार प्ले कर देंगे तो देखिए एक एक सेकेंड जैसा होते जाएगा हमारी कैंडल आते जाएगी। तो उसको थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, ओके 2 कर देते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे हम प्ले करेंगे तो देखिए हमारी कैंडल यहाँ पे बनना शुरू। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है फ्रेंड्स। तो आप जिस तरह की, मतलब जो भी आप सेटअप पे काम करते हो तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बैक टेस्ट करने के लिए। एक फील देता है कि जैसे कि हम लाइव मार्केट में इसको कर रहे हैं। थोड़ा सा और स्पीड स्लो कर सकते हैं यहाँ से, जैसा जिस तरह से भी आपको चाहिए। तो जैसा स्पीड आप स्लो करोगे तो मतलब उतना स्लो ये कैंडल्स फॉर्म करेगा। तो बहुत ही यूज़फुल है ये, बहुत ही यूज़फुल है। काफ़ी लोग मतलब पूछते हैं कि बार प्ले का ऑप्शन फ्रीली कहाँ मिलेगा, तो ये वाले प्लेटफॉर्म पर आपको ईजिली मिल जाएगा। तो इसका जो दूसरा फीचर मैं आपके यहाँ शेयर कर रहा हूँ वो है पेपर ट्रेडिंग, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप पेपर ट्रेडिंग करते हो तो आपको लाइव मार्केट में पेपर ट्रेडिंग करने का ये पूरा फील देगा। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे एक पैनल आ रहा है जिसको आप ऐसा क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह का कुछ ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको ऐप स्टोर पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपको एक पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन भी आ रहा है और साथ में यहाँ पे वॉच लिस्ट का भी ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप वॉच लिस्ट बना सकते हो। जैसे आप यहाँ पे वॉच लिस्ट करोगे तो आपके जो स्टॉक को आपको ऐड करना है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते फिर से ऐप स्टोर पे और हम बात करते हैं पेपर ट्रेडिंग की। तो आप पेपर ट्रेडिंग पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक्चुअली अभी फिलहाल मार्केट बंद है, इस वजह से हमारा शायद ट्रेड नहीं लग पाएगा। बट यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे ट्रेड आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ऑर्डर बुक, यहाँ पे ऑर्डर विंडो खुल जाएगा। यहाँ से आप जो है जितने, मतलब चाहे आप क्वांटिटीज लेना चाहते हो वो क्वांटिटीज लगा सकते हो, ठीक है। आप लॉट में लेना चाहते हो लॉट्स, ठीक है। और जैसे कि आपको बाई करना है या सेल करना है, लिमिट प्राइस डाल करके आप ले सकते हो, मार्केट प्राइस ले सकते हो, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हो उस तरह का पूरा ये ऑर्डर विंडो है, ठीक है। इसमें सारे चीज़ें बहुत सिंपल है, लिमिट प्राइस, मार्केट प्राइस, स्टॉप लॉस लिमिट, स्टॉप लॉस प्राइस, जो प्राइस पे आपको लेना है आप यहाँ पे डाल करके अपना जब ऑर्डर लगा दोगे। अभी मार्केट इस वक्त क्लोज है, इस वजह से हमारा यहाँ पे ऑर्डर नहीं लग रहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेआउट के ऑप्शन भी है, तो जिस तरह का भी आपको लेआउट चाहिए आप उस तरह से, यानी कि अगर आप दो चार्ट एक साथ देखना चाहते हो तो इस तरह देख सकते हैं, और अगर आप इस तरह का विंडो बना करके देखना चाहते हो चार विंडो तो यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको और लेआउट्स है तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे और सारे लेआउट्स है, जैसे कि इस तरह के लेआउट्स है,
तो काफी सारे लेआउट्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये भी ऑप्शन काफी ट्रेडर यूज करते हैं इस तरह का भी, तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे एक वन क्लिक का ऑप्शन भी है, जैसे कि अगर आप वन क्लिक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बाय सेल का ऑप्शन हमेशा यहाँ पे हाईलाइट रहेगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या इजी होगा ऑर्डर लगाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इंडिकेटर्स का ऑप्शन भी आ जाता है, आप जितने चाहे उतने इंडिकेटर्स यहाँ पे आप लगा सकते हो। लाइक अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो तो उसमें आपको 2 से 3 इंडिकेटर्स ही आप यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको जितने भी इंडिकेटर्स चाहिए आप उतने इंडिकेटर्स यहाँ पे लगा सकते हो, ये फ्री एकदम, ठीक है। जैसे कि जो भी आपको लगाना है, मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल, जो भी इंडिकेटर्स आप यूज़ करते हो वो यहाँ पे आपको फ्रीली मिल जाएंगे। आप यहाँ पे इंडिकेटर्स लगा सकते हो और इस तरह से इसको डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। ये थीम अगर पसंद नहीं है तो आप इसको राइट क्लिक कर लेना। यहाँ पे राइट क्लिक करने पे देखिए आपको यहाँ पे थीम का ऑप्शन आता है। थीम इन द सेंस कि आपका जो चार्ट का कलर है आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि देखो इसको ब्लैक कर दे, ब्लैक करोगे तो ब्लैक हो जाएगा। और यहाँ से जो कलर आपका जो अच्छा लगता है आपको, जैसे कि ब्लू, तो ये पूरा ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कलर आपको मन पसंद है आप उस कलर को रख करके इसमें अपना सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसका एक और ऑप्शन है फ्रेंड्स, स्किन का ऑप्शन। यानी कि मान लीजिए अगर आपको चार्ट पे किसी की, या यहाँ पे आपको चार्ट पे कोई फोटो लगाना है, कोई इमेज लगाना है, या तो कोई भी मतलब आपका मनपसंद जो भी कैरेक्टर है जो आपको लगाना है बैकग्राउंड में, तो आप लगा सकते हो यहाँ पे, मतलब चार्ट के इस वाले बैकग्राउंड में। तो इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स। इसको सेटिंग को आप जब क्लिक करोगे तो स्किन लोड का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे कुछ ऑलरेडी डिफॉल्ट दिया गया, जैसे कि ड्रैगन दिया हुआ है। जैसे हम ड्रैगन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ड्रैगन का इमेज लग गया है हमारे चार्ट्स पे, ठीक है। और भी ऑप्शन है, जैसे कि हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ स्टार लाइट है, और यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे मोदी जी का फोटो भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी मतलब, और अगर आप चाहो तो अपना भी फोटो यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोई अपनी इमेज लगाना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्क्रीन लोड का एक ऑप्शन आ रहा है तो उसको क्लिक करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपना लोगो लगा लूँ स्टॉक ट्रेडिंग बिजनेस का, तो देखिए इस तरह से ये चार्ट हमारा लोड हो गया और यहाँ पे जो है हमारा लोगो लग चुका है, मतलब चार्ट्स पे। मान लीजिए अगर हम कुछ ड्रॉ करते, जैसे कि लाइन वगैरह हम लगाते जैसे चार्ट्स पे अपनी, मान लीजिए हमने ये चार्ट्स पे कुछ अपनी लाइनें लगा ली, तो इसकी अगर हमें इमेज चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शेयर इमेज का। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये इमेज आपके सामने आ जाएगी, तो आप इसको राइट क्लिक करके इस इमेज को अपने जो है आप इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने सेव कर लिया, तो आप देखो सेव करने पे देखिए इस तरह से ये इमेज आपको मिल जाएगी। जब भी आप कोई स्टडी करते हो तो आप अपनी इमेज भी यहाँ पे सेव कर सकते हो, ठीक है। और एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसमें साथ इमेज के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर एक और ऑप्शन जो मुझे अच्छा लगा, वो ये है कि अगर आप मान लीजिए कोई ट्रेड कर रहे हो, आप जैसे ट्रेड करने के लिए बैठे हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन रख सकते हो। मतलब कि आप जो ट्रेड कर रहे हो उसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बटन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको स्टॉप कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बटन है, यहाँ पर नीचे दिया है, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जब इसको क्लिक करोगे ना, तो ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करके इसको शेयर कर ऑप्शन एंटायर स्क्रीन करोगे आप, तो पूरा आपका स्क्रीन रिकॉर्ड हो गया यहाँ पे। तो इसको करके आप जब शेयर करके करोगे तो फिर यहाँ पे आपका जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इससे आपको हेल्प मिल सकती है, जो भी आप ट्रेड करते हो तो आप उसका जब भी करके आप लाइव मार्केट में जो मिस्टेक करते हो उसको लिखते भी हो, तो कभी कभी अपने पास समय नहीं होता लिखने का, तो हम अगर ट्रेड करते हैं तो हम इसका वीडियो भी बना लेते हैं, तो बाद में जब हम उसको देखेंगे तो उससे हेल्प मिल सकती है कि हम क्या गलत कर रहे थे, हम क्या सही कर रहे थे, इससे बहुत हेल्प मिलती है। आई होप फ्रेंड्स, जिस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।